যাব। नमस्ते जुलेट अशदुलेख, आप सभी का ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो ये दोनों आप जो देख रहे हैं, ये है सिम्बा और ये है ब्रूनो। ये दोनों हैं हमारी पिंकी के पपीज हैं अभी, और ये 1 मंथ के होने वाले हैं। वो बहुत भारी है ये दोनों। आज जो है हम पिंकी के लिए एक नया शेड बनाने वाले हैं। हम पिंकी को यहाँ बाहर रखते थे धूप में और फिर शाम को हम अंदर करते हैं, पर अब ये दोनों भी आ गए हैं तो हम पिंकी के लिए एक नया शेड बनाने वाले हैं। तो चलिए देखिए कैसे बन रहा है शेड, देखिए। फिलहाल हम पिंकी को यहाँ पे ही रखते हैं। आजकल पिंकी काफ़ी एग्रेसिव हो गई है तो इसको फिलहाल के लिए बांध के रखा है। तो यहाँ पे पीछे शेड बनाने का सोच रहे थे, पर ये काफ़ी ज़्यादा कोने में है और सर्दियों में यहाँ पे स्नो लेपर्ड का भी खतरा होता है, तो इसलिए हम नीचे बालकनी में ही बनाएंगे पिंकी के लिए शेड। और यहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा है, कौन हो आप? इधर इधर इधर, हेलो करो। हेलो जुली। जुली आपका नाम क्या है? शौर्य माथुर। कहाँ से हो आप? जिसपा। शौर्य जो है मौसरे का बेटा है, यानी जो हमारे कजन का बेटा है। तो आजकल शौर्य यहाँ मस्ती करने आया है ना? बाय बोलो इधर। बाय। चलो तो आजकल यहाँ विंटर टाइम चला हुआ है। विंटर्स में सब लोग जो है आखिरी जो फाइनल जो काम होता है वो कर रहे हैं, जैसे पालू या सेब है उसको अच्छे से सुखाना और गुट्टी जो है उसको तोड़ना। सर्दियों में तो धूप का तो मज़ा ही अलग होता है, तो सारे लोग मोस्टली जो है अभी धूप का मज़ा लेते हैं। নানে কি মানে সুরাও মানে মানে লেবা সুরাও तो अभी हमारे साथ हैं हमारे गांव के ही कारपेंटर है, जानते हैं आगे इनसे ही कैसे बनाने वाले हैं पिंकी के लिए शेड। मेरा नाम हिरपाल सेन है, मैं लापरंग के ही हूँ। तो ये पिंकी के लिए यहाँ एक छोटा सा कमरा बना रहा हूँ, इसलिए इसको हम लकड़ी से ही बनाना चाहते हैं क्योंकि उसे गर्म नहीं रहता है, इसलिए सर्दी के लिए। तभी हम लकड़ी को चीर के इसलिए बनाने के लिए ये तैयारी कर रहा हूँ मैं। आगे फिर बना के बाद फिर हम देखेंगे कैसा हो गया कैसा बन गया। तो इस एरिया में बनाएंगे हम शेड। ये जो है हमारा पुराना ग्रुम है, इसे हम ग्रुम कहते हैं। कम से कम भी ये 100 साल से ऊपर ही होगा पुराना। देखो इस तरह का होता है, यहाँ ताला लगाते हैं। एंटीक वुडन बॉक्सा, इसी में रखते थे पुराने ज़माने में कपड़े, जो दौड़ू वगैरह चोली जो भी है। इसमें कोई कील नहीं है, पुराना जो मकान है मकानों में भी कील का कोई काम नहीं है, सब ऐसा होता है। Thank you.
इसको चारों तरफ से तीन तरफ से बंद करेंगे, यानी कि ये एल्युमिनियम का लगा के फिर उसके ऊपर से फिर एल्युमिनियम का फिर चादर लगाएंगे, फिर यहाँ से एक दरवाज़ा रखेंगे, फिर ये पिंकी के लिए कमरा बन गया। तो हो गया है पिंकी के लिए शेड रेडी। तो इसको अंदर से हमने अच्छे से कवर कर लिया है ताकि ठंड ना लगे। अभी तो फिलहाल के लिए ये टेम्परेरी शेड है पिंकी के लिए, तो समर्स होगी तो फिर हम ब्रेक वाला एक नया शेड बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो करें इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो सिम्बा भारी है, उठाओ तो सिम्बा को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो करें इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वहाँ देखो बाय बाय।